डेस्टिनेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ सलोनी से हूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हिंदू संगठनों ने वहां की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव के होने का दावा किया है। इस दावे के साथ जिले के सिविल कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इसमें नीलकंठ महादेव की तरफ से हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल खड़े हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर 2022 को तय की गई है। 2 अगस्त 2022 को दायर इस याचिका पर आदेश शुक्रवार यानी कि 2 सितंबर 2022 को हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलकंठ महादेव की तरफ से कुल 5 पक्षकार कोर्ट में पेश हुए हैं। पेश हुए पक्षकारों ने जामा मस्जिद को इतिहास में पहले हिंदू राजा महिपाल का किला और उसी जगह पर भगवान शिव का नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है। याचिकाकर्ता मुकेश पटेल का दावा है कि उन्हें इस जगह के इतिहास की जानकारी है। उन्होंने कोर्ट से जामा मस्जिद का सर्वे करवाने की मांग की है। साथ साथ पटेल ने यह भी दावा किया है कि भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर वहां जामा मस्जिद बनाई गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष इस जामा मस्जिद को सन 1922 में शशुद्दीन द्वारा बनवाई गई है। आपको बता दें कि बदायूं की जामा मस्जिद मौलवी टोला इलाके में बनी है, जिसमें एक साथ लगभग 23,000 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। मामले में सुनवाई कर रहे सीनियर डिवीजन जज विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट से अब विपक्षियों को भी उनका पक्ष रखने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बाद में विपक्ष के तौर पर जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है, उनके अलावा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अपना अपना पक्ष रखना है। गौरतलब ये है कि कुछ समय पहले वाराणसी में हुए ज्ञानमापी ढांचे के सर्वे में हिंदू पक्षकारों ने प्राचीन शिवलिंग मिलने का दावा किया था, हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने उसे फव्वारा बताया था और कई इस्लामिक स्कॉलर ने उसके लिए अपमानजनक शब्द भी बोले थे। तो फिलहाल की इस खबर पर इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 नेशन।